मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है साइंस दिल वाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग कि ये हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जब हम कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो ये थोड़ा अजीब सा साउंड नहीं करता है क्या? तो क्या मतलब होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपेयर होती है ग्राउंड में? जब हम लोग फार्म फील्ड में क्रॉप्स लगाते हैं तो सॉइल तो ऑलरेडी होती है वहां पे। तो वेल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन का मतलब है कि हम लोग उस सॉइल को लूज और लेवल करना जरूरी होता है। तो इस काम के लिए हम लोग लूज और लेवल करना है तो यहाँ हम लोग प्राइमरी दो प्रोसेस को देखेंगे। तो हमारे दोनों प्रोसेस का पहला प्रोसेस है कि प्लॉइंग। जैसे देखिए प्लॉइंग, तो आप प्लॉइंग के लिए समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप किसी प्लेग्राउंड में जा रहे हैं। तो उस प्लेग्राउंड में आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे जो ग्राउंड है तो वहां के जो सॉइल है वो स्टिक होते हैं, उसके अंदर आपके कोई भी फ्लफनेस नहीं दिखाई देगी। और जो वहां पर सॉइल होता है उसका लेयर होता है, वो लेयर आपका वहां पर स्टिफ है, वहां पर आपका ये स्पेसेस के लिए कोई जगह नहीं होता है। जैसे देखिए कुछ इस तरह से। तो इस कॉम्पैक्ट सॉइल के अंदर आपके रूट्स ग्रो कर सकते हैं। तो आप उसमें सीड डालने की भी कोशिश करेंगे तो पहली चीज कि वो आपका ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो दूसरा आपका हल्का फुल्का ग्रो भी करता है तो वो आपका रूट सॉइल के अंदर जा ही नहीं सकता। तो अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में। तो हम लोग एक साफ ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे आप डिग करेंगे। इफ यू डिग द सॉइल, वो आपका लूज हो गया, वो आपका क्रम्स में दिखाई देने लगी। तो इसीलिए आप लोग बोलेंगे कि वो आपका सॉइल फ्लफी हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल नजर आएंगे। तो इसके अंदर अब हम लोग कुछ खास चीजें देखेंगे कि इसके अंदर जो हम लोग बोलेंगे लूजेंट सॉइल, तो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि लूजेंट सॉइल आपको अच्छी तरह होते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करें। तो इसका रीजन जो ये है कि रीजन के तौर पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये सॉइल आपका लूज हो जाता है। तो ठीक है, आप लोग हम यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग इसको बोलते हैं कि रूट्स कैन बी पेनिट्रेट। यहाँ पर आपको जगह बचेंगे, रूट्स कैन पेनिट्रेट। सेकेंड चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो आपका एयर स्पेसेस है वो आपका प्रोवाइड करेगा एयर एंड ऑक्सीजन द रूट्स टू एक्सपायर, रूट्स टू रेस्पायर। तो यहाँ पर जगह मिल जाएगी रेस्पायर करने के लिए। तो यहाँ पर ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंड अर्थवॉर्म्स, तो यहाँ पर आपका जो ग्रोथ है वो आपका प्रमोट होता है, तो यहाँ पर आपको बेहतर एयर मिलेंगी। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इनको ऊपर आने के लिए आपका इजीली एक्सेस होता है। तो यहाँ पर हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो कम्पैक्ट सॉइल थे, और सेकेंड हम लोग देखा कि सॉइल को लूज बना देते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है, जैसे हम लोग ने बोला कि प्लॉइंग जो है तो उसका क्या मतलब? प्लॉइंग जो होता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, टर्निंग
ऑफ सॉयल। तो यहाँ पर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल होता है, उसी को प्लॉगिंग कहते हैं। तो इसको दूसरे शब्द में हम लोग टीनिंग भी कहेंगे। और दूसरे में यहाँ पर हम लोग ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो ये क्या हो सकता है कि माइक्रो और ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होता है? तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि जो यहाँ पर जो है अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये ग्रोथ करेगा, ये खराब नहीं होगा कोई भी क्रॉप। तो ये बेहद जरूरी है हमारे प्लांट्स के लिए। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो अर्थवर्म होता है बेसिकली, पहली चीज की हम लोग देखेंगे कि इट विल टर्न द सॉइल। तो ये आपको मदद करेगा सॉइल को टर्न करने में। तो यहाँ पर जो नीचे की लेयर होती है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसके ऊपर जाने से आपको होगा कि जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अब तक प्लांट्स को नहीं मिल पा रहे थे वो ऊपर चले जाएंगे टॉप सॉइल में। टॉप सॉइल की बात करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि टॉप सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो लेयर होते हैं मोस्ट ग्रो प्लांट्स होती है उनकी मदद से। तो हमने बोला कि अर्थवर्म जो है इसमें वो ग्रो प्रमोट करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो इनके जो न्यूट्रिएंट्स है ये टॉप लेयर पे आ जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट होती है ग्रोथ करने के लिए। तो इसके अलावा हम लोग सेकेंड यहाँ पर देखेंगे कि नीचे वाली जो लेयर होते हैं तो वो ऊपर आएंगे ही आएंगे और जो साथ ही साथ इसका अर्थवर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका डीके द डेड ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये सब डेड ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये मैटर आपका बड़ा होता है सॉइल में तो इसको हम लोग डीके कर देते हैं और ये डेड ऑर्गेनिज्म हो जाता है फ्रॉम द मैटर ऑफ सॉइल। तो इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो बढ़ जाएंगे। अब अगला हम लोग देखें कि प्लोइंग को समझ लिया तो हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर समझते हैं कि इजिली सीड्स डाल सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग ने कंफर्म कर लिया कि प्रॉपरली ग्रो करेगा इसमें क्योंकि ये लूज नहीं हो गया और टर्निंग हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखें कि जैसे देखिए कि लूजनिंग है आपके बड़े बड़े पार्टिकल इसमें नजर आएंगे और ये बड़े पार्टिकल आपके जो ऊपर और कुछ नीचे हैं वो पार्टिकल आपके ऊपर नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपके बड़े बड़े पार्टिकल नजर इसलिए आएंगे। तो जैसे देखिए इसके बाद बेहद जरूरी है कि आपको जो ये सॉइल पार्टिकल्स है तो इसके साथ ही साथ हमने लेवल भी किया। अब नेक्स्ट जो स्टेप्स है आपका देखिए कि इनमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको ये हम लोग टूल यूज करते हैं उसको हम लोग कहेंगे लेवलर, प्लॉगिंग एंड लेवलर। तो इनको हम लोग यूनिफॉर्म लेवल पे ले आते हैं। जो हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े क्रम्स होते हैं उनको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। अब इनको जो एक मशीन होता है उसी को कॉल हम लोग लेवलर करते हैं जैसे एक ट्रैक्टर होता है। तो ये एक यूनिफॉर्म लेयर में आ जाता है। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग ये कहेंगे कि जहां पर हमने अपने सॉइल को लेवल कर दिया है तो जैसे देखिए कि इसको हम लोग ये कहेंगे लेवलिंग, इसी को हम लोग कहेंगे लेवलिंग लेवलिंग, इसको हम लोग कहेंगे टू ब्रेक द लार्ज पीसेस ऑफ सॉइल एंड टू लेवल देम। तो हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देते हैं और ये यूनिफॉर्म लेवल में हम लोग ले आते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि आप लोग इसको पानी देंगे तो ये आपका सब पानी नीचे की तरफ एक्युमुलेट हो जाता है और इससे ऊपर की सॉइल में आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं तो उसको नुकसानदायक होगा और नीचे की तरफ जो प्लांट होता है तो इतना सारा आपका प्लॉगिंग हो जाएगा तो उस प्लांट का डेड हो जाएगा। तो हम लोग पानी और सप्लाई कीजिए तो हम लोग एक ही मिनट में प्रॉपरली पानी दे तो इसके लिए आप लोग ठीक हो जाएगा। तो इस लेसन में हम लोग देखा कि सॉइल का प्रिपरेशन
कैसे किया जाता है, तो प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखा कि जो प्रोसेस है उसको कहते हैं प्लॉइंग, लूजनिंग एंड टर्निंग अप, सॉरी इसको प्लॉगिंग कहा जाता है। इसमें कुछ कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स प्लॉइंग हो जाते हैं तो उसका इस्तेमाल होता है लेवलर का। तो उसी का लेवलिंग का जो हो गया टू ब्रेक द लार्ज पीसेस ऑफ सॉइल एंड टू लेवल देम, तो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग और बड़े बड़े क्रम्स में हम लोग तोड़ते हैं, तो इसी को हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।